8 साल की एक छोटी सी बच्ची आरोही खंडेलवाल समाचार प्लस के मंच पर हमारे साथ है और आरोही के बारे में खास ये है कि उन्हें पूरा हनुमान चालीसा याद है और स्टेज पर भी उन्होंने इसे पढ़कर भी सुनाया था। आपको हनुमान चालीसा कैसे याद हुआ? आपको ऐसा मन किया कि हमें कुछ अपने धार्मिक चीज़ें पढ़नी चाहिए? मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। हम दोनों रात में रोज़ पढ़ते थे तो उसी से मेरे को मन किया कि मैं इसका रिकॉर्ड बनाऊं। अच्छा, और वो रिकॉर्ड याद करने में मेहनत लगी? क्योंकि हम तो हमें होमवर्क मिलता है स्कूल में तो ऐसे वगैरह भी याद करने पड़ते हैं और हनुमान चालीसा तो इतना लंबा होता है। अच्छा, एक दिन में याद नहीं होगा, कुछ कुछ हर दिन पढ़ते होंगे तब याद हुआ होगा। अच्छा, आप इनकी मम्मी हैं सीमा, वो भी हमारे साथ हैं। आरोही के बारे में, क्योंकि आप इन्हें बचपन से देख रही हैं, इनकी माँ हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हमेशा से था कि चीज़ों को याद करने का, या ये कैसे रिकॉर्ड बना? जी, जब 4 ईयर्स की थी तो जैसे अपनी दादी के संग डेली रात में पढ़ती थी हनुमान चालीसा, तो हमने ये मतलब रियलाइज़ किया कि इसे लर्न हो गया। तो लर्न हुआ तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा और मतलब इनक्रेज किया जाए, तो हमने इंडिया बुक में अप्लाई किया इसके लिए। तो वहाँ से हमारे पास टाइम आया जिसमें 1 मिनट 1 सेकेंड का ये रिकॉर्ड था। फिर मैंने आरोही को बहुत प्रैक्टिस करवाई और 1 मिनट 58 सेकेंड में इसने वो कम्प्लीट कर लिया। तो ये इसका सबसे पहला रिकॉर्ड था। अभी तक आरोही ने 8 रिकॉर्ड बनाए हैं और अभी लेटेस्ट इसने दशावतार बुक लिखी है, जो इसे ब्रावो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसे ऑकल्ट साइंस की यंगेस्ट ऑथर का खिताब दिया गया है एट द एज ऑफ 8। और आपने एक बुक लिखी है, क्या है उस बुक में? उस बुक में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जिनका नाम मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार हैं। अच्छा, ये जितने भी सारे दशावतार हम बोल रहे हैं उन्हें हमने सामने से तो कभी देखा नहीं है, तो फिर आप कैसे उनको समझते हो या फिर आपने उस पर किताब लिखी है? मेरी मम्मी ने सारा स्टोरीज मेरे को पढ़ के बताया और समझाया, तो फिर मैंने अपने से समझकर और फिर लिखने का कोशिश किया तो मैंने एक बुक लिखी। आप इतने छोटे से हो, आपने खास करके हिंदू रिलीजन में जो माइथोलॉजी की बात करते हैं उस पर बुक लिखी है, लेकिन आपकी एज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें तो इतनी समझ नहीं होती। आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ये चीज़ें, उन्हें समझ आता है? फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि अच्छा अरे ये तो समझ नहीं आ रहा, कुछ कॉमिक वाली कॉमेडी पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं। अच्छा, जब आपने रिकॉर्ड बनाया, जैसे मम्मी ने बोला कि आपने तो याद कर लिया हनुमान चालीसा अपनी दादी के साथ, उसके बाद जब रिकॉर्ड बना तो आपको कुछ लगा कि अच्छा मैंने कुछ बड़ा किया है और बाकी शायद आपके आसपास के बच्चे वैसा नहीं कर पाए? नहीं। अच्छा, आगे और क्या करना है ये बताओ। आगे मुझे अभी एक और किताब लिखनी है, रामायण। रामायण लिखनी है, मतलब उसमें जो बच्चों का वर्जन है वो दिखेगा कि बच्चे रामायण को कैसे देखते हैं? आपको रामायण में क्या पसंद है? बताओ क्या पसंद है आपको रामायण में? रामायण में कौन सा कैरेक्टर पसंद है? राम पसंद है, सीता पसंद है या हनुमान पसंद है? राम। राम पसंद है, क्यों पसंद है? चलिए, आप इसके बारे में अपने किताब में ज़रूर लिखिएगा, हम भी पढ़ेंगे। तो छोटी सी ऑथर हैं जो, वो भी हमारे साथ थी और सिर्फ हनुमान चालीसा से आगे बढ़कर दशावतार और रामायण तक भी वो पहुंच गई है। हम भी उम्मीद करते हैं वो झारखंड की हैं तो और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं।